गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस फ्रेश वीडियो को एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ और बात करते हैं पिटबुल के बारे में जो अमेजिंग क्वालिटी का है। तो फ्रेंड्स, पिटबुल के बारे में तो हर रोज ही डिमांड आती है कि भाई पिटबुल के ऊपर कोई वीडियो लेके आओ, बट कुछ लोगों की अलग डिमांड होती है और वो है इनके नोज को लेकर। क्योंकि बहुत से लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई हमें रेड या ब्राउन नोज पिटबुल चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में ये पपी ब्राउन नोज के साथ ही नहीं बल्कि ब्राउन आईज के साथ भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन में है। और आई थिंक क्वालिटी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्वालिटी आप लोगों को खुद ही दिख रही है। पपी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और पिटबुल के बारे में तो कौन नहीं जानता, क्योंकि पिटबुल वन ऑफ द फेमस और पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है। सो गाइस, अगर आप लोगों को एक प्योर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिटबुल चाहिए तो ये पपी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स, ओनर ने मुझे बताया कि ये पिटबुल फाइटर लाइन से है। इसके जो फादर हैं वो काफी अच्छे फाइटर हैं। और अगर बात करें हेल्थ के बारे में तो ये पपी बहुत ही एक्टिव और हैवी बोन है। पिटबुल की जो सबसे खास बात होती है वो ये है कि ये डॉग्स फियरलेस होते हैं। इनके ऊपर या इनकी फैमिली के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये सामने वाले के ऊपर अटैक कर देते हैं, फिर सामने चाहे कोई भी हो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पिटबुल का कोट बहुत ही शॉर्ट और शाइनी होता है, जिसे आप लोग बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ही आसानी से मेंटेन रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पिटबुल अपनी फैमिली के लिए बहुत ही लॉयल डॉग्स होते हैं और साथ में बहुत ही फ्रेंडली और प्लेफुल भी। एनीवेज गाइज, इन पपीज की क्वालिटी तो आप लोग देख ही रहे हैं, अब बात करते हैं इनके मदर फादर के बारे में। तो दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इस पपी के फादर हैं, क्वालिटी वाइज अमेजिंग है। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये है इनकी मदर। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे इन दोनों की क्वालिटी अमेजिंग लगी, बट मुझे नहीं पता कि आप लोगों के ओपिनियन क्या है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आप लोगों को इनकी क्वालिटी कैसी लगी। और हाँ गाइस, ओनर ने इस पपी की वैक्सीनेशन भी स्टार्ट करवा दी है, तो ये है इसका वैक्सीनेशन कार्ड, तो पपी के साथ आप लोगों को ये भी मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस पपी की एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। बट उससे पहले, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी सभी वीडियोस मिलती रहें। तो अगर पहले बात करें इसकी एज के बारे में, तो ये पपी एक मेल डॉग है और इसकी एज 2 मंथ हो चुकी है। और अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो इस पपी की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से, और डिलीवरी भी आप लोगों को इसके ऊपर अवेलेबल नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप में से जो भी इस पपी को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके लिए आप लोगों को डायरेक्टली विजिट करना होगा। तो फाइनली, अगर बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों, ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो किया 16,000 पीस, यानी 16,000 रुपए प्राइस में आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से जरूर बात करें। बाकी इस पपी की क्वालिटी और इसका प्राइस आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो इस पिटबुल पपी के बारे में। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।